हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा कि अगर हम अपने डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस की एक्सेसिबिलिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम उसे प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर्स को भी प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं। हम इस प्रोग्राम में एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे और देखेंगे कि जिस कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं उसे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्लास स्पेस, क्लास का नाम लिखा है बुक, फिर हमने क्लास की बॉडी को स्टार्ट किया है। यहाँ हमने प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर किया एम पेजेस, जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर स्पेस एम अंडरस्कोर एन पेजेस सेमी कॉलन। फिर हमने प्राइवेट कैटेगरी में ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है क्योंकि इसका नाम बुक है और पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, इसका नाम बुक क्लास के नाम की तरह है, तो दैट इज व्हाई इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने m अंडरस्कोर n पेजेस को जीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, सेमीकॉलन, देन इसे क्लोज कर दिया है। अब हमने पब्लिक मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं पब्लिक कॉलन, और हमने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जो कि पब्लिक है बुक, और यहाँ में हमने एज अ पैरामीटर इंट स्पेस n पेजेस दे दिया है, और इसमें हमने n पेजेस की वैल्यू को m पेजेस में डाल दिया है, इसे क्लोज किया है और क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया है। अब हमने यहाँ पे मेन की स्टार्टिंग की है इंट मेन और कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, फिर हम यहाँ पर अभी इसे कमेंट पार्ट हटा देते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये किसको कॉल कर लेगा, हमारे इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि प्राइवेट है, हम इसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय पे कॉल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो ये हमें कंपाइलेशन एरर देगा। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं एक बार कंट्रोल एस से और इसे F9 से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते वक्त आप देखेंगे कि यहाँ पे कि जो बुक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है दैट इज प्राइवेट, आप इसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के टाइम पर। तो अब हम इसे यहाँ से एक बार क्लोज करते हैं और इसे कमेंट पार्ट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे फिर से बुक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है सी माई अदर बुक, और यहाँ पर इसे एक वैल्यू पास कर दी है, तो वहाँ ये जो है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमने यहाँ पर पब्लिक टाइप का बनाया है इसे कॉल करेगा, और ये जो है वैल्यू इस एन पेजेस को मिल जाएगी और एन पेजेस के थ्रू ये वैल्यू एम पेजेस को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है वो ओके है, यानी कि स्टेटमेंट ओके है, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्टर हम पब्लिक पार्ट में बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, पर जो भी कंस्ट्रक्टर हम प्राइवेटली डिक्लेयर करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम कॉल नहीं होगा। हमने गेट सी एच लिखा, रिटर्न जीरो लिखा। अब हम इसे फिर से सेव कर देते हैं और कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अब हमें कोई भी एरर नहीं मिला है। अब हम इसे F10 से रन करते हैं। रन करने के बाद आप देख रहे हैं हमें ब्लैंक स्क्रीन मिल रहा है, वो इसलिए मिला है क्योंकि हमने कोई भी चीज यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाया है, कोई भी स्टेटमेंट हमने यहाँ प्रिंट नहीं कराया है, तो इसलिए हमें आउटपुट स्क्रीन जो है वो ब्लैंक मिल रहा है। आप किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, पर आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम आप उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। ये था हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।